हर दिन 5-6-7 हर रोज धमाके होते थे। अब अल्लाह ताला के करम से हफ्ते कई दफा महीने गुजर जाते हैं कि कोई धमाका नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम रीना शकी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़े साने से दो चार पाकिस्तान रहा, और बलूचिस्तान में जिस तरह से दरगाह शाह नूरानी को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, हाल ही में जो हमने इंसिडेंट्स देखे, और स्पेशली चूँकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा टारगेट है दहशतगर्दों का इस वक्त, जो डेथ टोल सामने आए, लॉयर्स थे पहले 70-80 के करीब, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे जो है हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिसमें अगेन डेथ टोल जो है वो 50 से ज़ायद रहा था, काफ़ी ज़्यादा अफराद जो हैं वो कैडेट्स हमारे वो ज़ख्मी हुए थे, और कल भी जो सानहा पेश आया उसमें तकरीबन 62 के करीब कहा जाता है कि जानों का ज़िया देखने में आया, और उसके अलावा 100 से ज़ायद तादाद है जो कि ज़ख्मियों की बताई जा रही है, काफ़ी लोग हैं जो कि मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। जो इलाज मुआवजे की सहूलियात के भी हवाले से जो एक सिचुएशन सामने नज़र आती है, 3 घंटा लगा उनको हब के अंदर ही वो अस्पताल मुंतकिल उन ज़ख्मियों को करने में, और फिर उससे एक बहुत बड़ा एक टाइम लगा उनको कराची वो ज़ख्मियों को मुंतकिल करने में। हाउएवर, जो एक मजम्मती बयानात का एक जो तांता बना लाइक आफ्टर एवरी इंसिडेंट जो एक सिलसिला चला आता है, और फिर मजीद इस बात का अज़म का इजहार किया गया कि हम दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे, ये हम सुन सुन के इधर तो हम थक ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज के दिन की बड़ी अहमियत इस हवाले से देखी जा रही थी क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ट्रेड है उसके बाकायदा तौर पे एक लॉन्चिंग सेरेमनी हुई इन गवादर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी साहब, तमाम हाई ऑफिशल्स जो हैं वो गवादर में मौजूद थे रहे, और ये जो पहला कंसाइनमेंट गुज़िश्ता रोज़ पहुंचा था गवादर, आज बाकायदा तौर पे इसकी ग्रैंड सेरेमनी देखी गई। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है इट विल डेफिनेटली चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान, और लेकिन साथ साथ उसके हवाले से बड़े चैलेंजेस, बड़े थ्रेट्स, चाहे वो फर्दर अगर हम डिवाइड करें पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना है, किस तरह से मौजूदा हुकूमत भी इसको डील करेगी, और क्या हम इसी तरह से ये जानों का ज़िया इनके हमारे लोगों के इस कॉस्ट पर हम आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे गुज़िश्ता रोज़ का सानिया, और फिर हमें जो बार बार ये कहा जाता है कि जी हमारे आगे हमारा मुल्क इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है, और बड़े इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों के लिए क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये सानिया और जो ये इंसिडेंट्स हैं वो हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस जगह पर धकेल रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए खान गुल मंदुखेल साहब, साबिक DIG हैं बलूचिस्तान के, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जान अचकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ एंड ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अस्सलाम वालेकुम जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खान गुल मंदुखेल साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ जो सर जिस तरह से हमेशा से कहा जा रहा था कि दहशतगर्दों ने स्ट्रैटेजी चेंज की है, सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, सर वाज दिस वेरी सरप्राइजिंग? और चूंकि मैंने वो एक लिंक किया कि हाल ही में हमने इतने सारे हम बैक टू बैक इंसिडेंट से गुजर रहे हैं, येट हमने एक इतना बड़ा डेथ टोल देखा कल के इंसिडेंट में। ये शाह अहमद नूरानी एक बिल्कुल छोटा सा एक मज़ार है जहाँ पे लेट 70s में हम लोग जाया करते थे, तकरीबन 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची मंगूपीर, और इससे जाते हैं तो फिर आगे जाके इसके लिए बिल्कुल नाले नदियों में जाना पड़ता था, एक मज़ार था छोटा सा, और बाकी सारे इसमें बोर्ड के और ये पीपल के दरख्त थे 15-20, अभी थोड़ी सी उसमें वो बन गई है। ये इतना सॉफ्ट टारगेट था, इतना सॉफ्ट टारगेट है और इतना सॉफ्ट टारगेट रहेगा जब तक इधर कोई ना हो, चूंकि इसमें इससे कोई पुलिस स्टेशन जो है वो मिनिमम कोई भी पुलिस स्टेशन जो हब के पास हो या कराची की तरफ मंगूपीर के पास हो या मिसाल के तौर पे बन मुराद या लंग लोहार के पास हो, पूरा एरिया मुझे पता है और फिंगर टिप्स पे, ये जो भी जगह होगी ये हर वक्त सॉफ्ट टारगेट रहेगा। वजह यह है यहाँ पे हर वक्त 200-400 आदमी होते हैं और ये धमाल शाम को 5-6 बजे 7 बजे जैसे सनसेट होता है उस वक्त शुरू हो जाता है। राइट। तो जहाँ तक अभी
टेररिज्म का ताल्लुक है और टेररिस्ट ने 50-52 आदमी मार दिए और 100 से ज़्यादा अस्पतालों में इस वक्त थ्रू आउट कराची और बलूचिस्तान की जो करीबी बेला वगैरह इधर उधर हब उतल मुतल में सारे पड़े हुए हैं। ये सिलसिला इस वजह से है बेसिकली इसका कि यहाँ पे आप कभी भी टेररिज्म का कोई वो रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर रोड नहीं है कि जिसके ज़रिए लोग जा रहे हों और आपने चेक पोस्ट क्रिएट की हुई हो इस पर। उस ज़माने में भी हम लोग ट्रक वगैरह की छतों पे बैठ के जाते थे जिस वक्त ये था सारा कुछ। बिल्कुल आइसोलेटेड पहाड़ों के बीच में एक दरा जैसा है, उसके अंदर एक मज़ार था बस छोटा सा। तो ये अगर कहने का मतलब किसी को ये है, अब टारगेट्स ने वो ये टेररिस्ट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उन्होंने जो इस पर मतलब अपना एक वो फैलाना था कि भाई टेररिज्म में 100-200 आदमी मार दिए, दे हैव डन दैट। रह गया लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ऐसे टारगेट्स को कभी नहीं कवर कर सकती, कभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने आइसोलेटेड पार्ट्स हैं। अभी बलूचिस्तान में तो और भी आप जाके नाना साहब देखें ज्यारत के पास, दूसरे तीसरे सारा मतलब दुनिया भरी हुई है इस तरह इस तरीके के कॉर्नर्स में जो पड़े हुए हैं, उनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं कवर कर सकती हर जगह पे हर चीज़ पे। जिस आदमी को देखो जहाँ उसने दो रुमाल किसी कब्र पे लगा दिए लटका दिए, चार काले झंडे लटका दिए, दो सफ़ेद झंडे लटका दिए, वो पीर बन जाता है, उस पर इबादत शुरू हो जाती है। ये आपका जो क्या नाम है इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे का मैं गवाह हूँ कि जिस वक्त ये बन रहा था मेरे फर्स्ट कज़न के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो इधर एक मज़ार था अगर आपको याद हो एयरपोर्ट जाते हुए इसी पे, मेरे कज़न ने मुझे बताया, कहता है कि आज तू आ रहा है दफ्तर से, मैंने कहा, कहता है मैं तुझे एक चीज़ दिखाऊंगा, मज़ार था तो उस मज़ार को जिस वक्त उसने वो गाँव वालों को बुलाया उनको कहा कि खोदो, खोदा तो उसमें से 5-6 बोन्स निकली स्केलेटन की, अपनी जो मर इंसान की होती है 5-6 बोन्स जो रह जाती हैं, बाकी जो सब कुछ गल चुका होता है। तो अगले दिन अखबार में इतनी बड़ी खबर आई कि पीर साहब जो थे वो जिंदा सलामत बैठे हुए थे, उसी तरह ना गोश्त गला हुआ था ना कुछ, और इसने पूरी की पूरी हड्डियां जो थी एक तौलिए में इकट्ठी करके ऐसे उनके हवाले की, उन्होंने दूसरी जगह दफना दी। अब जहाँ पे आप हर जगह मिसाल के तौर पे यही कब्रें होंगी और यही हिसाब किताब होगा, ये इससे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हो ही नहीं सकता है। इनोसेंट लोग हैं, इनको जो बता दिया जाए कि भाई इधर से कुछ मिल सकता है मतलब इस्लामिक तौर पर या रिलीजन के बेस पे कि इधर से कुछ अल्लाह पाक की तरफ से कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसकी एक मज़ार पे हाजिरी देने की, वहाँ पे पहुँचना शुरू कर देते हैं। टारगेट टेररिस्ट के लिए इससे बेहतर और कोई है ही नहीं। अच्छा, और इसको आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौम जो है इस चीज़ के पीछे पड़ सकती है। सर तो क्यों रऊफ हसन साहब फिर क्यों कहा जाता है कि जी तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे? आई रिमेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ने इसी साल के आगाज़ में उन्होंने कहा था कि जी वो गवादर रोटोडेरो रोड के हवाले से कि उसकी कंप्लीशन जो है वो ऑलमोस्ट 95% हो चुकी है और मजीद के लिए हमें सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है, सख्त सिक्योरिटी को जो है रोड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन की तरफ लाने के लिए। तो फिर उस पर सीएम बलूचिस्तान ने कहा था कि जी तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी येट, और जिस तरह से मंदूखेल साहब भी कह रहे हैं कि ये तो सॉफ्ट टारगेट्स फिर रहेंगे। फिर देखिए दो चीज़ें, मैं इस आपके सवाल को कि मैं दो तरीके से मैं इसके रिस्पॉन्ड करूँगा। एक तो ये कि टेररिज्म को अगर हमारी जो लीडरशिप है वो ये सिर्फ उन्होंने उसको डिप्लीट करके ये समझ लिया है कि ये चंद टेररिस्ट के मारने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी, तो वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एंटी टेरर प्रोजेक्ट था जो कि नैप में डिफाइन किया गया है, वो अब सिर्फ टेररिस्ट को मारने की हद तक किया गया है। टेररिज्म आपके मदरसों में पल रहा है, टेररिज्म आपके कोर्सेज में पढ़ रहा है, वो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, टेररिज्म आपकी मस्जिदों में पल रहा है, टेररिज्म आपकी फाइनेंसिंग में पल रहा है, टेररिज्म आपकी हेट लिटरेचर में पल रहा है, हर तरफ पल रहा है, और उसको आपकी हुकूमत ने ना हाथ लगाया है और ना ही मुझे उनमें कोई विल नज़र आती है कि वो उसको हाथ लगाएगी। सो टेररिज्म जो है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का फास्टेस्ट रेडिकलाइजिंग सोसाइटी मुल्क जो है उसके तौर के ऊपर जाना जाता है, और यहाँ ग्रास रूट्स के ऊपर जहाँ नीचे यू नो वहाँ टेररिज्म पल रहा है, फैल रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। सो एक लिहाज से तो मंदोखेल साहब का कहना ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन किया जा सकता है अगर आप वो 20 की 20 जो क्लॉजेज नेशनल एक्शन प्रोग्राम की उनको अगर आप फुली ऑनेस्टली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आप जो है वो आप ख़त्म कर देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए बहुत विल चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिपेटेड लीडरशिप हमारी बैठी हुई है, इनमें ना विल है ना इनमें कोई सिंसियरिटी है कि ये करेगी। इसी सवाल के जवाब में मैं एक और बात अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए जो मुझे तकलीफ हुई है कल वो ये हुई है
लाहौर में तो आपने 5,000 जो हैं वहाँ आपने पुल बना दिए, सड़कें बना दी हैं, पंजाब में आप फैला दिए, इस्लामाबाद को देखिए, पिंडी को देखिए, पंजाब के बाकी इलाकों को देखिए, वो पानी वो हब जो है जहाँ ये हुआ है वहाँ, जैसा कि अभी मंदोखेल साहब ने भी कहा है, वह कच्ची सड़क है, पत्थरों वाली सड़क है, टूटी हुई सड़क है। और नारा आप क्या लगाते हैं कि जी हम ईस्टर्न रूट जो है उसको बनाएंगे, हम बलूचिस्तान को इक्वेट करेंगे बाकी जो डेवलप्ड प्रोविंसेस के साथ। और आज जो फ़र्क है डेवलप्ड प्रोविंसेस और अनडेवलप्ड प्रोविंसेस में, वो बढ़ चुका हुआ है। और 7.5 आपने खुद फरमाया कि 7-7.5 घंटे वहाँ लगे हैं, और कल आपके मीडिया को वहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे लगे हैं, 6 घंटे लगे हैं, ये सही बात है? बिल्कुल। क्या ये इंडाइटमेंट नहीं है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट की, बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल? क्या उनकी इंडाइटमेंट नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? वो जानवर है, वो हैवान है जो कि बलूचिस्तान में पलते हैं, और वही प्रोविंस है जो कि आपका, जब वो डिमांड करते हैं कि जी आप हमारे साथ एक गलत सलूक कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक करते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं हम वो नहीं कर रहे। कल के, और मैंने मीडिया के ऊपर किसी को ये बात करते हुए नहीं देखा, हर चीज़ हो रही है लेकिन मीडिया के ऊपर ये बात नहीं कर रहे कि देखिए वो जहाँ जो कुछ भी है वहाँ मज़हब का होल्ड है, ये है, वो एक अलहदा बात है, और उसको अलहदा आपने मैकेनिज्म से तरीक़ों से उसको ख़त्म करना है। लेकिन पिछले 3.5 साल के नारों में आप जब जाते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हर जगह, परसों गए हुए थे पता नहीं वहाँ को 2 करोड़ मोटरवेज चल रहा सांगला हिल में, उन्होंने झूठ बोलते हैं एक दफ़ा, फिर जाते हैं 2 दिन के बाद दूसरे झूठ बोलते हैं। इन 3.5 साल में जो उन्होंने झूठ बोले हैं, मैं पूछता हूं कि क्या आपने किया है, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट को आपने इंप्लीमेंट किया है, बलूचिस्तान में क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है? ये जो गवादर डेवलप हो रहा है, ये पीएमएलएन की हुकूमत का कोई इसमें हाथ नहीं है, ये तो किसी और की, ये तो चाइनीज कंपल्शन है जिसकी वजह से वो यहाँ आए हैं, और उसमें फौज का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त फौज का एक बहुत बड़ा रोल है, right. जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेफ्ट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली तो कुछ भी ना होता, लेकिन ये जो कल का सीन है इसको चाहिए कि मीडिया को उजागर करें, उनको वहाँ बंदे वो रोड्स को देखें कि क्या है, किस शक्ल में वो मौजूद है वहाँ, और बलूचिस्तान के बाकी हिस्सों में देखिए जो वहाँ जो उनके हाल है। ये बैठा हुआ है मेरा दोस्त, यहाँ बैठा हुआ, इसे कहें कि डिस्क्राइब तो करें कि बलूचिस्तान का हाल क्या है, कंपेयर करें उसको पंजाब के साथ। पैसा सारा जो है वो वहाँ जा रहा है, और वहाँ का जो है बलूचिस्तान का जो पैसा है वो सरदारों की जेबों में जा रहा है, वो वहाँ लगते ही जितना डेवलपमेंट फंड्स है, ये बैठे हुए ये ज्यादा बात बेहतर तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं, सारे का सारा पैसा सरदारों की जेबों में जाता है, वो हराम का खा रहे हैं, पल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, और जो बलूचिस्तान है वो उसके ऊपर पाकिस्तान की ग्रिफ्ट जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। जानसी साहब, तमाम फंड जो है और जो हालत नजर आती है सर किसी भी एक इंसिडेंट के बाद, इलाज मौलजे की मैंने एक वो इंट्रोडक्टरी अपने रिमार्क्स में एक बात जाहिर की कि आपने सिविल अस्पताल भिजवाया कराची गए वहां से तमाम जख्मी, चाहे वो कैडेट्स हों, कैडेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के, वो भी कराची मुंतकिल आपको करना पड़ा, तो तमाम वो फंड्स वगैरह किधर जाता है सर, और किस हद तक हम ये आगे देखते रहेंगे कि यही बेचारे इनकी जद में आएंगे? सबसे पहले तो मैं आज कौम को आपके प्रोग्राम के तवसुत से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज 50 ships गवादर से अफ्रीका के लिए रवाना हो गए, ये बहुत तारीखी अचीवमेंट है। इसमें बलूचिस्तान का कंट्रीब्यूशन, पीएमएलएन के फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, हमारी फौज का, उन शहीदों का जिन्होंने इसकी दिफा के लिए 50 ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनको खराज अकीदत और तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि आज वेस्टर्न रूट का जो प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो गया, ये 50 ट्रक जोब से गुजर के गए हैं, क्विटा से गुजर के गए हैं, खुजदार से गुजर के गए हैं, ये वो तारीखी रूट है जिसके बारे में हम सब यहाँ बैठ के, बहुत सी सियासी पार्टियों ने अपने दुकान ओपन किए थे, बहुत से लिबरल कमेंटेटर्स यहां बैठ के उन्हें अकाए को तस्लीम करने के लिए तैयार थे। सर, आई वुड वांट टू कम ऑन दिस एंड मैं चाहूंगी मेरे दूसरे भी गेस्ट इस बात पे, क्योंकि वेस्टर्न रूट पे बहुत ज्यादा डिबेट है, बट उससे पहले हाई गलत स्टेक पे अच्छा, और हम मैं इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल गलत स्टेक पे। दूसरी बात ये है, मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया प्लानिंग कमीशन झूठ बोल रही है, चाइनीज झूठ नहीं बोल रहे हैं, चाइनीज एम्बेसी झूठ नहीं बोल रही है, $1.4 billion 3 प्रोजेक्ट के लिए वेस्टर्न रूट के, अभी उनकी जो 4 joint working group है चाइना का सीपेक के लिए मंजूर हुए 1.4, ये जो है कराक्रम हाईवे 136 किलोमीटर, ये है इसकी कीमत $160 million। डीआई खान जोब रोड N50 phase 1, आप सुनिए ना प्लीज, 900 आपने, या तो आप यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मुकदमा बैठ के बैठे हैं और जवाब का राइट नहीं देना चाहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी आपको बिल्कुल आपको जवाब कर रहा हूं, बट वेस्टर्न रूट में मैं बताऊंगी रोटी दाल चना। अब मैं आ गया टेररिज्म पे, टेररिज्म के हब एक ऐसा इलाका है जो कराची से 50 किलोमीटर है, अब यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग जख्मी अनफॉर्चुनेटली हुए हैं, वहाँ पे एक BHU है जिसमें एक डॉक्टर बैठता है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस है जिसके टायर पंचर होते हैं, ठीक है अमूमन, लेकिन इस तमाम फैसिलिटी के बावजूद यकीनन कूप नहीं कर सकते आप, आपको भेजना पड़ता है कराची में। दूसरी अहम बात ये कि ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान में
60 سے زیادہ مساجد ہیں, 20,000 زیادہ امام بارگاہیں, اسی طرح 500 زیادہ خانہ کہیں منظم طور پہ, سب کو سیکیورٹی دینا کہ کون سے حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, پاکستان کی کل پولیس کی اسٹرینتھ مور دین 15,000 ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سافٹ ٹارگیٹ کو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کوئٹہ میں صرف کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 25, میں آپ کو بتاؤں 2,500 صرف جو ہے وہاں پہ اسکولز ہیں. اب ان سب کو ہم نے سیکیور کیا ہے اس تھریٹ الرٹ کے بعد, they has to be 1% successful to hit you, right sir? But mujhe jaan sahab, with all due respect, mujhe ye bata de, jab ye kaha jata na ki maine jo baat ki ke sare tamam masail baroe kar laye jayenge, ek minister ke protocol ke liye kitna kitni security hoti hai wo mujhe bata de. Minister threat hai, wahan pe ek jung ho rahi hai, baluchistan ke threat, awam ko koi threat nahi hai, ministers ko threat. Agar wazir ala mar jaye to hame khushi hogi, نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں انڈین تھریٹ کو. اچھا, پھر تھریٹ ڈائمینشن یہاں پہ چینج ہو گیا ہے. یہاں پہ ہم بیٹھ کے بلوچستان کا دورہ نہ کر کے ہم عقائد کو لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں, ایک تو یہ بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آپ یہ بلوچ انسرجنسی اور سیپریٹزم کی بات ختم ہو گئی, وہ نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, طالبانائزیشن ختم ہو چکی ہے. اب یہ تھریٹ جو ڈائمینشن جو ہے انڈیا نے کھل کے وہاں پہ مداخلت کی ہے, وہ اسپانسر کرتے ہیں, لوکل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پلیز کلیم کیا ہے؟ نہیں نہیں, پلیز لیٹ می, آئی ایس ایس یہ سب ٹیگز ہیں, کلیم کیا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے؟ آئی ایس ایس کو آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا, یہ سب ٹیگز ہیں, ٹیگز یوز ہوتے ہیں. یہ پرانے والے ایل جی نہیں, یہ پرانے طالبان نہیں, اب ان میں انٹیلیجنس جو رائیول ایجنسیاں وہ گھس چکی ہیں, اور ان کے جو ہے اس وقت جب ہم سی پیک کا افتتاح کر رہے ہیں, کیا یہ ڈائیورژن نہیں ہے؟ اچھا, موٹیویشن اس کا یہ ہے, اس نیریٹو پہ بے شک آپ اتفاق نہ کریں, لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ بلوچستان میں کوئی انسرجنسی ہے, لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں کہ وہاں پہ طالبانائزیشن کے پکے اڈے ہیں, لوگوں سے آپ یہ مس گائڈ نہ کریں کہ ان کی سرداروں نے پیسہ ان کا کھایا ہے اور بلوچستان کو کچھ نہیں دیا ہے, لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں کہ وہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے. وہاں پہ اس وقت $14 billion کے پروجیکٹ ہیں, خلاف ہم نے کاروائی کی اور کہیں تک ہم کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان ایک فرنٹ لائن صوبہ بن گیا ہے. اس کی جو انفراسٹرکچر ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اس کو ہم امپروو بنانا ہے. اس نیریٹو کا مطلب نہیں کہ میں نااہلی ثابت کرنا چاہتا ہوں, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم وہ کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہو, چاہے اس کے لیے پھر ہمیں ضرب عضب لانچ کرنا پڑے بلوچستان میں, پھر ہمیں میسیو انویسٹمنٹ کرنا پڑے لا اینڈ آرڈر, لانچ انفارچونیٹلی ہم اب تک بن گیا. کیا یہ طالبان تھے؟ آپ نیشنل ایکشن پلان کو ہم ایک اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں بلوچستان میں, یہ جو افغان تھے, یہ ابھی جو پولیس میں حملہ ہوا ہے, ٹائم کے اوپر علینا اتنا جھوٹ نہیں بولنے دینا چاہیے آپ کو, آپ اینکر ہیں, آپ کو چیک کرنا چاہیے, اتنا بلیٹنٹ جھوٹ نہیں بولنے دینا چاہیے کرائم کے اوپر. یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے. پولیس پہ جو حملہ ہوا ہے, جو ٹریننگ اکیڈمی ہے, یہ افغان تھے, یہ کسی مدرسے سے 2008 میں بھی پہلے ہو چکے ہیں, اور پھر دوبارہ سے اس طرح سے بیک ٹو بیک آپ کو انسیڈنٹس کو